क्या कहेंगे जो ये नोटबंदी का जो ये सरकार ने घोषणा की, नोटबंदी किया वो बहुत बुरा हो गया है। सामान्य जनता के लिए जीने का भी हक नहीं रहा। नोटबंदी के वजह से पुणे में एक हॉस्पिटल में वो जुना नोट नहीं लेने के वजह से 2 महीने का बच्चा मर गया है। आज जो 70 लोग लाइन में मरे हैं, आज आपको मालूम है कल शेट्टी बीजेपी का अपना बीजेपी का मिनिस्टर सुरेंद्र शेट्टी ऐसे कुछ है नाम, वो शेट्टी का भाई का डेथ हो गया, उसको जुना नोट के देने गया तो उसको लिया नहीं, पर वो चेक देना पड़ा उसको। उनका जर हुआ जब सेंट्रल मिनिस्टर है, उनका जर ये हालत है, एक सामान्य गरीब आदमी का क्या होगा। आज गरीब आदमी बहुत दुखी है, बहुत दुखी माने वो एक है वो जीतना है कि मर रहा है उसको भी मालूम नहीं। आज जिसके पास जो कोई भी अपना बच्चों के लिए, कोई स्कूल के लिए, कोई इसके लिए जो 4 पैसा जमा करके घर में रखेगा, वो दर्द तो वो तो एटीएम में जा नहीं सकेगा। घर में रखेला पैसा वो 10-10 रुपये 1000-1000 रुपये का 100-100 रुपये का नोट बड़ा दिखेगा और उसमें ये दिया ज़्यादा दिखेगा। वो तो इसने 1000-1000 का नोट 500 का नोट बना के रखा, तो आज वो उसको बच्चे का पी नहीं देते हुए कितने बच्चे आज बाहर है एडमिशन, वो अंदर नहीं ले रहा है। अभी एडमिशन का टाइम पर भी वही हो रहा है। अभी सरकार का कहना है कि इससे पूंजीपति परेशान है, गरीब लोग को कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पूंजीपति कितना 70 में कितना पूंजीपति मरे हैं। पूंजीपति आज बैंक में गया नहीं है, उसके पास पूंजीपति के आज पैसा गैम गए नहीं। आपको मालूम है कि कितने लोगों को उन्होंने काम करने वालों के 1 महीने का परिवार भी एडमिट दे के वो भी पैसा बचा लिया है। कितने लोगों को जब तुमको मंगता जुने नोट देता हूँ बोल के उसको दिया है, वो बेचारा मारवाड़ी के पास लेके जाता है 100-1000 रुपया के ऊपर 100 रुपया उसको कम करके ले लेता है और मारवाड़ी उसको छुपाता है। वो किधर से छुपाता होगा। ये सब मोदी जी ने एक धंधा करने वाले का पूंजी बढ़ाने के लिए किया है। उनको ब्लैक मार्केट करो तुम खुशी से, 1000 करोड़ रुपया बांडवलदारों को इनकम टैक्स में बचाया जाता है। 1000 करोड़ रुपया मल्ला और बहुत बांडवला इस देश 70,000 करोड़ रुपया डुबाया है। वो क्यों देश का पैसा नहीं है, वो पैसा वसूल करने का रास्ता कौन सा किया है। अभी तक वो बिल नहीं पास कर रहे हैं, बाकी ठेंगा मार रहे हैं कि हम वो करेगा वो करेगा ये करेगा, काहे का वो खाली फुकट में करने का। लोगों को इस देश का लोगों को कुचलने के लिए, हमने सच बोलने को था, ये जो धर्म संस्कृति है चातुर्वर्ण का संस्कृति है, चातुर्वर्ण में लोगों को पिछले क्लास का लोगों को दबाने के लिए हर एक राजा बोलो आज एक धर्म बोलो धर्म पंडित सभी लोग ये हुआ है। रामा का टाइम पर उधर का एक एक आदमी कुरा ये पढ़ता था, हम ग्रंथ पढ़ते थे, एक पिछले क्लास का वर्ग का आदमी हाँ वो हम ग्रंथ पढ़ते थे, उसके वजह से वो ब्राह्मण का बच्चा मर गया बोल के रामा के पास कंप्लेंट दिया और वो शंभुका का वध किया है रामा ने। ये इसी मोदी सरकार का कहना है, बीजेपी वालों का कहना है कि ये काले धन पर लगाम लग गया, इसकी वजह से क्या लगता है कई काले धन तो अभी स्विस बैंक में भी पड़े हैं क्या। अरे आज आपको मालूम है कि ये जो जना योजना में जो
पैसा नहीं होते हुए लोगों को बैंक खाली हो गया था, वो लोग बैंक चलाने में भी ये हुआ, आज का इसमें 21,000 करोड़ रुपया उसमें जमा हो गया, ये कैसे पकड़ोगे? ये कालाधन को किधर से पकड़ोगे आप? ये कालाधन हो गया नहीं हो गया? एक कालाधन निर्माण करने के लिए इस देश का शासन ही ये करता है, शासन के वजह से कालाधन हो गया। आज मोदी जी से पूछता हूं, 1,80,000 रुपया सालाना टैक्स है, जब ऊपर उसके ऊपर टैक्स है कानून से, 1,80,000 में महीना 15,000 में घर चला सकेगा? हाँ, इसके सोचने का नहीं। हाँ, ये 15,000 रुपया कमाने के बाद 16,000 रुपया कमाएगा तो टैक्स लगाएगा आप? हाँ, ये कौन सा तरीका है? वो जो सोचो क्या है, जनरली आदम जमाने का तुम लोग ये करेंगे, पहला चार ने, अभी मोदी कहते हैं कि पहला भी ये हुआ था, नोटबंदी हुआ था, बराबर है, मोरारजी ने नोटबंदी किया था, उस टाइम पर गरीब जनता को मालूम ही नहीं, उसके पास 1,000 रुपया का नोट ही नहीं था, उसके चार एक आने का चाह था उस टाइम पर, आठ जो 800 रुपया ग्राम तोला सोना हो गया, तो इंदिरा जी ने मोरारजी को गालियां दे दिया इलेक्शन का टाइम पर, वो जमाना था, और उस तरीके आज भी वो कर सकते थे, 1,000 का नोट हंसते हंसते बनता तो बंद करा सकते थे, और नया नोट निकाल सकते थे, और नया नोट निकाल के अच्छे से मार्केट में आने के बाद जूना नोट बंद कर देते तो बहुत कुछ फायदा होता था, थोड़ा उसमें भी गलती हो जाती थी, बात बराबर, पर ये आज जो गरीबों को जो तकलीफ है वो नहीं होता था। सिस्टम बनाने का काम किसका था? रिजर्व बैंक का था। रिजर्व बैंक किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तुमने पहला उसको ये करना मांगता था, इन्फॉर्म करना मांगता, जितना नोट जमा तुम ये करने कौन है? रिजर्व बैंक नहीं करती, गवर्नमेंट ये करती, सिक्योरिटी वो तैयार करना मांगता था।